नमस्कार दोस्तों, एकमात्र भरोसेमंद एमएस न्यूज चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सेवन पे कमीशन को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, न्यूज की ओर बढ़ते हैं। सेवन पे कमीशन, यहाँ 11,000 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द बढ़कर मिलेगी सैलरी। कॉन्ट्रैक्ट वाले 12,000 कर्मी को भी होगा फायदा। दिल्ली एयरपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। डीटीसी बोर्ड की सोमवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे 11,000 से ज्यादा कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। वहीं डीटीसी के 12,000 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को यूनिफॉर्म देने का निर्णय भी लिया गया है। अभी डीटीसी के रेगुलर कर्मचारियों को वर्दी भत्ता दिया जा रहा है। डीटीसी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार टीए प्रदान करने का निर्णय ले लिया गया है। डीटीसी के मुताबिक रेगुलर कर्मचारियों को अपने डेस्टिनेशन पास को सरेंडर करना होगा, इसके बाद ही उन्हें टीए लाभ दिए जाएंगे। बैठक में कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर कर्मियों के लिए इन दोनों ही प्रस्तावों को पास कर दिया गया है। इस प्रस्ताव के तहत हर कर्मी को गर्मी के मौसम को देखते हुए यूनिफॉर्म के 2 सेट और सर्दी के लिए 1 सेट दिया जाएगा। वही टीए देने के बाद हर साल डीटीसी पर 55.72 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। डीटीसी के डिप्टी सीजीएम डॉक्टर आरएस इनास ने ये जानकारी दी है। उन्होंने वर्दी के खर्चे के बारे में बताया कि इससे सालाना 4.61 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। बता दें कि कर्मचारियों को डीएनएस अलाउंस, ट्रेवलेंस अलाउंस सहित अलाउंस का हाउस रेंट का भी भत्ता दिया जाता है। कर्मचारी समय समय पर इससे बढ़ोतरी की मांग करते रहते हैं। कर्मचारियों की मांग रहती है कि उन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत भत्ता दिए जाएं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।